स्टूडेंट वेलकम बैक योर मैथ क्लास। जैसे कि आपको याद ही होगा हमारा टॉपिक चल रहा है सबट्रैक्शन। आज एक बार फिर से कुछ नए एग्जांपल के साथ शुरू करें आज का टॉपिक। टू में से आपको सबट्रैक्ट करना है जीरो। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पर टू का टू ही आ जाएगा। अब यहाँ पर है थ्री। थ्री में से आपको सबट्रैक्ट कितने करने हैं? वन। तो थ्री लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री। थ्री में से वन सेपरेट करना है तो वन लाइन काट देंगे। उसके बाद हमारे पास वन टू, कितनी लाइन बची? टू। थ्री माइनस वन इक्वल टू टू। सब्ट्रैक्शन करने के दो फॉर्मूले हैं, एक तो आप लाइन ड्रॉ करके वैसे भी कर सकते हैं, और दूसरा है कि आप अपने फिंगर पे काउंट करके भी कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिक्स। सिक्स में से फोर सब्ट्रैक्ट करना है तो सिक्स लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं? फोर। तो यहाँ से काउंट करेंगे और फोर लाइन कट कर देंगे, वन टू थ्री फोर। फोर कट होगी, कितनी बची हमारे पास? वन टू। सिक्स माइनस फोर इक्वल टू टू। अब यहाँ पर है थ्री। थ्री में से सबट्रैक्ट कितने करने हैं आपको? टू। तो थ्री लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री। थ्री में से टू सबट्रैक्ट करें, वन टू। टू काट दिए, हमारे पास वन बचा। थ्री माइनस टू इक्वल टू वन। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, हमेशा राइट साइड से ही शुरू होंगे। अगर आपने इधर लेफ्ट साइड से शुरू करा तो आपका सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है टू। टू में से आपको वन सब्ट्रैक्ट करना है तो वन टू। वन सब्ट्रैक्ट करना है, ये वन लाइन हमने कट कर दी, तो टू में से वन सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास कितना बचा? वन। टू माइनस वन इक्वल टू वन। अब यहाँ पर है नाइन। नाइन में से सबट्रैक्ट कितने करने हैं? एट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। कितने सबट्रैक्ट करने हैं? एट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। यहाँ पे हमारे पास कितने बचे? वन। एट सॉरी नाइन माइनस एट इक्वल टू वन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है सिक्स। सिक्स में से आपको सबट्रैक्ट कितने करने हैं? फोर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फोर सबट्रैक्ट करने हैं तो फोर लाइन काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर। फोर लाइन काउंट कर ली। अब हमारे पास कितनी बची? जो बची है उनको काउंट करते हैं और यहाँ पे राइट करते हैं, तो वन टू। सिक्स माइनस फोर इक्वल टू टू। अब है एट। एट में से सबट्रैक्ट करने हैं आपको सिक्स। एट लाइन ड्रॉ करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सिक्स सबट्रैक्ट करने हैं तो सिक्स लाइन इसमें से काउंट करेंगे और कट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सिक्स कट हो गई। अब हमारे पास बची वन टू। एट माइनस सिक्स इक्वल टू टू। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। नाइन। नाइन में से आपको सब्ट्रैक्ट कितने करने हैं? सेवन। तो लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। सेवन सबट्रैक्ट करने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। सेवन कट कर दी, हमारे पास बची वन टू, यानी नाइन माइनस सेवन इक्वल टू टू। अब यहाँ पर है एट। एट में से सबट्रैक्ट करना है सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सिक्स सबट्रैक्ट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सिक्स कट कर दी। अब हमारे पास कितने बचे? वन टू। एट माइनस सिक्स
8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 5, 5 में से सेपरेट कितना करना है, 0, तो यहाँ आएगा 5. अब यहाँ पर है 7, 7 में आपको सेपरेट करने हैं 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 2 सेपरेट करने, 1, 2, 2 लाइन कट होगी. हाउ मेनी लाइन्स हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइन. 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, 8, 8 में से सब्ट्रैक्ट कितने करने, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं, 1, 2, हाउ मेनी लाइन्स काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, ओके, 6 माइनस 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 सेपरेट करना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 में से 5 सेपरेट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कट गए, 1, 2, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, 4 में से 2 सेपरेट करना है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 3, 1, 2, 3, काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, और बिल्कुल सेम ही यहाँ राइट करे हुए डिजिट, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3. अब सब्ट्रैक्शन तो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए. अब मैं आपको आज एक नया फॉर्मूला बताऊंगी कि हमारे सब्ट्रैक्शन राइट है या रॉन्ग, ये हमें कैसे पता चलेगा. अब ये देखें, ये जो नीचे यहाँ जो नंबर्स राइट करे हुए हैं ना, हम इनको अगर ऐड करें तो सेम वही नंबर आता है. देखो, 0 प्लस 2, 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो हमारा सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सही है. अब यहाँ देखें, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, और 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, और 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, ठीक है. आप बिल्कुल ऐसे भी अपने सब्ट्रैक्शन चेक कर सकते हैं, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, यानी 6 में से हमने 4 घटाया तो यहाँ पे 2 आया, तो 4 प्लस 2 कितने होते हैं, 6. बस आपको यही इसी ट्रिक से आपको ये वाले सब्ट्रैक्शन चेक करना है कि आपके सब्ट्रैक्शन राइट है या रॉन्ग है. स्टूडेंट, टुडे इज योर होमवर्क, राइट सब्ट्रैक्शन इन योर मैथ्स नोटबुक. ये आज का आपका होमवर्क है, ये जो मैंने सब्ट्रैक्शन यहाँ पर राइट करी है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपका सब्ट्रैक्शन का जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और उसमें कहीं भी कोई भी डाउट ना रहे. आज के लिए बस इतना ही. हैव ए गुड डे.